हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं वेबरेज की कैलिब्रेशन। हमने ये कुछ डेड वेट हैं, इनको प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है, लेकिन इनके अंदर कुछ फर्क आया है, तो आज हम इसी डेड वेट से हम वेबरेज को कैलिब्रेट करेंगे। तो कैलिब्रेशन करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहता चल रहा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वेबरिज की कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वेबरिज का इंडिकेटर है जिसका मॉडल है QDI 11। जब इंडिकेटर अपनी ऑन पोजीशन पर होगा तो हमने कैलिब्रेशन के बटन को प्रेस करना है। तो हमारे सामने फी 000 लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद हमने एंटर के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर E10 लिखा हुआ आ जाएगा, हमने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, हमने एंटर के बटन को 4 दफ़ा प्रेस करेंगे। जब 4 दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारे सामने F80,000 लिखा हुआ आ जाएगा। 80,000 इसकी फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी हमने दोबारा एंटर करनी है। फुल कैपेसिटी एंटर करने के बाद हमने एंटर के बटन को प्रेस करना है। तो हमारे सामने नो लोड लिखा हुआ आ जाएगा। जब नो लोड लिखा हुआ आएगा तो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वजन नहीं रखना, और जब स्टेबल की लाइट ऑन हो जाएगी तो हमने एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ए लोड लिखा हुआ आ जाएगा। जब ए लोड लिखा हुआ आएगा तो डेड वेट जिसका वजन हमको पता है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देंगे। ये देखें फ्रेंड, इन क्वाइल्स का वजन हमको पता है, तो ये क्वाइल हम लिफ्टर के थ्रू प्लेटफॉर्म के ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पर हमने जो प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वाइल रखी हैं उनका वजन यहाँ पर हमने लिखना है। उन क्वाइल का वजन 24,670 है, 24,670 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमने 24,670 लिखने के बाद हमने एंटर के बटन को 5 दफ़ा प्रेस करेंगे। तो देखें दोस्तों, ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है, 24,670 यहाँ पर आ गया है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।